जहां बाहर सभी वही तू मुझे पाएगा। मिलूंगा तुम्हें इस तरह ये वादा रहा, चलूंगा संग इस तरह ये वादा रहा। तुझे जीना है मेरे बिना, भुला देना मुझे अलविदा। तुझे तुझे जीना है मेरे बिना, तुझे जीना है मेरे बिना। क्या आप कहीं और गा सकते हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है? जी मैं खुद थोड़ी इशू में हूँ, इसलिए मैं ये गाना नहीं सुनना चाहती। अच्छा, मुझे इस टाइप के गाने नहीं पसंद। कुछ और गा सकते हो फिर? नहीं आप ऐसे ही गाएंगे, मुझे पता है, मुझे ये नहीं पसंद है, आप कहीं और जाके गाइए। ओके, पर मैं प्रैक्टिस यहीं पे करता हूँ, मैं हमेशा आता हूँ यहीं पे। प्लीज आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम समझिए, आप यहाँ अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, दूसरे की भी तो हो सकती है। आप डेली करते हैं, आप आगे भी कर सकते हैं, आपको तो प्रैक्टिस ही करें। चलिए आपको एक मैं सुनाता हूँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। कौन है वो चेहरा जो हर जगह दिखता है, है जादू या फिर कोई ख्वाब है। अनजान था जो पहले, जरूरत बना है जादू या फिर कोई ख्वाब है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तू, निकल के सामने आ मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा। सजन बिन आए मोहन दिया, रैन भरे आए रे जागे रतिया। कहे तुम्हारे सजन प्यारे देखे ये नजारे, माने ना अपनी बतिया। सजन बिन आए मोहन दिया, अच्छा लगा? पहले तो डर लग रहा होगा। डर लग रहा, मतलब ऐसे डलनेस आ रही होगी उसमें कुछ। एक्चुअली जब खुद का मूड नहीं सही तो किसी का गाना नहीं अच्छा लगता। अच्छा अच्छा, नहीं मैं रैंडमली ही प्रैक्टिस करता हूँ आकर के तो। अच्छा, डेली में प्रैक्टिस करता हूँ। आप बैठी थी कि मैंने सोचा यहीं पे गाता हूँ। आज मैंने सोचा मैं यहाँ पर लगाता हूँ जब कोई आके बैठे। अच्छा अच्छा, कुछ और एक दो सॉन्ग और गाता हूँ। ये तो सुना होगा ना, ये वाला। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। वो जिस्मों के पीछे
कभी रूह में, ओ, होता क्या आशिक क्या आशिकी है, होगी खबर तब तुम्हें, like this. Yes. Hmm. Okay. अच्छा लगा? मजा। पूरे मैशअप? सारे मैशअप। मैं मतलब आज मैंने सोचा कि यही पर प्रैक्टिस कर लेता हूँ, आपको भी सुनने को मिलेगा, पर पहले आपका मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को लगा भगा दूंगी लेकिन उसके बाद फिर अच्छा। भगाऊंगी क्यों, मैं एक्चुअली अपने ही मूड में थी, मैं आपको क्यों भगाऊंगी। अच्छा, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ रहा हूँ फिर भी, क्या कुछ मतलब परेशानी है सैड सॉन्ग से? हाँ, परेशानी, थोड़ा मूड नहीं सही। Okay. अब तो ठीक है ना? अब तो सही है ये। अब तो नहीं भगाएंगे ना? नहीं, नहीं, अच्छा, बहुत डर लग रहा है आपको चीज़ बताने में कि कहीं फिर से मेरे को पढ़ने ना लगे। नहीं नहीं, नहीं। ऐसा बता सकता हूँ? हाँ। वो ये है कि नहीं, तो पता कैसे चलेगा मुझे? नहीं नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना बताऊँ क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। वो चीज़ ये है कि आपने कभी कभी भी मतलब देखा होगा कि वीडियो ऐसे देखे कि कोई बंदा ऐसे रैंडम आ जाता है, गिटार प्ले करने लगता है और लड़की कोई बैठी होती है, रैंडम कोई पब्लिक बैठी होती है, उसके सामने आकर के ऐसे प्ले करने लगता है और फिर कहता नहीं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ, कुछ कर कुछ ऐसा फील आया कुछ वीडियो, वो उन तरह के वीडियो वाला? आप वीडियो बना रहे थे क्या? आप समझ रही हैं लगता है, धीरे धीरे गुस्सा आ रही क्या? नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, अगर नहीं क्वेश्चन, आप भी वीडियो बना रहे थे क्या? अच्छा, अगर बनना होगा तो आपको गुस्सा तो नहीं आएगी? नहीं आएगी ना, तो अच्छा अच्छा, कैमरा नहीं दिख रहा। अच्छा मैं दिखा दे रहा हूँ, वो एकदम सीध में देखिए, वहाँ पर वो देखिए आपकी शूटिंग हो रही है, एक वीडियो बनना है, दिख गया? दिखा? ना हिदे करके लगाया तो किस तरीके दिख गया कि नहीं दिखा कि आपको ऐसे दिख गया है? मुझे तो दिख गया है, पर कोई और होता तो उसे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हेड है। हिडन कैमरा लगा हुआ था, तो कुछ कहना चाहेंगे अगर कुछ थोड़ा टाइम हो आपके पास कि हमने कैसा गाया? क्या इतना अच्छा गाना है, कहना क्या है, गाना सुनकर इंसान। तो चलिए, आज इनके साथ वीडियो बना के बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि मेरे को पहले डर लग रहा था कि कहीं ये मेरे ऊपर भड़क ना पड़े, क्योंकि इनका मूड पहले खराब था, तो अब वीडियो बना के अच्छा लग रहा है, इनके भी गुस्सा चली गई, कैमरा भी दिखा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही किसी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।